नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज 1 अप्रैल 2021 है और आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों और बेरोजगार युवक और युवतियों को 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से संविदा कर्मियों को 10% बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बेरोजगार युवक और युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी आज से मिलना शुरू हो जाएगा। इस बार बेरोजगार युवकों को 4,000 रूपए और युवतियों को 4,500 रूपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को अपने बजट भाषण में संविदा कर्मियों को 10% मानदेय बढ़ाने और बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। वहीं 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ होगा। इससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख का हेल्थ बीमा मिलेगा। इस योजना के तहत 1576 बीमारियों को कवर किया गया है। अगली बड़ी अपडेट आपको दे दें, 1 अप्रैल 2021 से राजस्थान में अब बियर सस्ती हो जाएगी। बियर के रेट 35 रुपए तक गिर सकते हैं। हालांकि बियरों की दरों का बदलाव ब्रांड के अनुसार अलग अलग होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को लागू हो रही नई आबकारी नीति में बियर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क और कोविड सरचार्ज अब हटा दिया है। शराब की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। वहीं गुरुवार से प्रदेश भर में एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी शराब अब मिलने लगेगी। अब तक शहरों में दोनों की अलग अलग दुकानें थी। अगली बड़ी खबर आपको दे दे, राज्य सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बाजारों में सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। दुकान मालिक ही नहीं, ग्राहक भी यदि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो जिम्मेदारी दुकान या शोरूम या फिर प्रतिष्ठान मालिक की होगी। ऐसे में सीज की कार्यवाही से भी गुजरना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय की संयुक्त टीम बाजारों का दौरा कर प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करे। ये टीमें 14 अप्रैल तक संघन निरीक्षण करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने 8वीं कक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 6 मई से 25 मई तक दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। विभाग ने परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम गहलोत ने जिलों के कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वह अपने स्तर पर 8वीं तक के स्कूल बंद करवा सकते हैं। यानी कि सरकार ने अब 8वीं तक के स्कूल बंद करवाने का फैसला कलेक्टर पर छोड़ा है। और खबर आ रही है कि राजस्थान के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल एक बार फिर बंद हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में सोने और चांदी के भावों में हल्का सा उछाल आया है। बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम 200 रूपए बढ़कर अब 46,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं बुधवार को राजस्थान में 22 कैरेट सोने के 20 रूपए बढ़कर 44,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब तेजी से फैलने लगी है। राजस्थान में 21 से लेकर 31 मार्च के बीच 8201 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में बुधवार को भी 906 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा अजमेर, राजसमंद और उदयपुर में 3 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।